क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी कोल्ड ड्रिंक है जिसे स्पेस पर ले जाकर पिया गया था? और आखिर फुटबॉलर मेसी के घर के ऊपर से एयरप्लेन्स कभी भी क्यों नहीं गुजरती? और एप्पल कंपनी के आईपॉड के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो ऐसे और अमेजिंग जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 10, हमारी बॉडी आधे घंटे में इतनी हीट प्रोड्यूस कर लेती है कि वह लगभग 2 लीटर पानी को बॉइल कर सकती है। फैक्ट नंबर 9, 1845 में पोर्टलैंड देश का नाम एक कॉइन को फ्लिप करने के बाद रखा गया था। अगर वह कॉइन दूसरी साइड गिरता तो आज पोर्टलैंड का नाम बोस्टन होता। फैक्ट नंबर 8, हर साल एक कार के जितने साइज का एस्टेरियर पृथ्वी पर गिरता है, पर वह पृथ्वी के सर्फेस को टच भी नहीं कर पाता क्योंकि वह एटमोस्फियर में ही जलकर राख हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोका कोला एक ऐसी कॉमर्शियल ड्रिंक है जिसे स्पेस पर भी ले जाया गया था और वहां भी पिया गया था। फैक्ट नंबर 6, आप अर्थ पर जिस रंग का सनसेट देखते हो या तो वह रेड या फिर येलो कलर का होता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मार्स प्लेनेट पर सनसेट ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ टाइम के 6 महीने ट्रैफिक सिग्नल पर वेट करते हुए बिता देता है, जो कि रेड लाइट से ग्रीन लाइट होने का इंतजार करने का समय माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, ब्लू व्हेल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ब्लू व्हेल जो होती है उसकी जीभ का वजन एक हाथी के वजन के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 3, एप्पल कंपनी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, और अगर आप एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो स्टीव जॉब्स के बारे में आपको जरूर पता होगा। तो एप्पल कंपनी के इंजीनियर्स जब एप्पल के पहले आईपॉड पर काम कर रहे थे और आईपॉड बनने के बाद जब सारे इंजीनियर्स ने उस आईपॉड को स्टीव जॉब्स को दिखाया तो स्टीव जॉब्स को वो आईपॉड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि उस आईपॉड का साइज बहुत ही बड़ा था। तो फिर स्टीव जॉब्स ने कहा कि इस एप्पल आईपॉड का साइज तो छोटा करना होगा, लेकिन इंजीनियर्स ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और फिर स्टीव जॉब्स ने उस एप्पल के आईपॉड को लेकर पानी के अंदर डाल दिया और उन इंजीनियर्स से कहा कि ये बुलबुले जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर स्पेस अब भी बाकी है, तो ये स्पेस कम करनी पड़ेगी, इसलिए एप्पल के आईपॉड आकार में छोटे होते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि स्टीव जॉब्स आखिर कितने बड़े जीनियस हैं। फैक्ट नंबर 2, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अलार्म क्लॉक का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो सबको पता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली अलार्म क्लॉक का इन्वेंट हुआ था 1787 में, और उस क्लॉक में एक बहुत ही अजीब चीज थी कि वह क्लॉक सिर्फ रात के 4 बजे ही बजता था और दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं बजता था। फैक्ट नंबर 1, फुटबॉलर मेसी के घर के ऊपर से आखिर कभी भी कोई भी एयरप्लेन्स क्यों नहीं गुजरती? दरअसल इसके पीछे और कोई रीजन नहीं। दरअसल स्पेनिश लॉ के अनुसार जहां पर मेसी रहते हैं वह इलाका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंदर आता है, और दूसरा रीजन यह है कि उस जगह के आस पास काफी सारे मॉन्यूमेंट है, इसलिए उस जगह के ऊपर से कभी भी कोई भी एयरप्लेन्स नहीं गुजरती। आपको ये सब जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे और अमेजिंग जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब।